सो हे गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, रियलमी बुक AKA सस्ता मैकबुक लॉन्च हो चुका है गाइज। जी हाँ गाइज, जैसा कि बताया था, कल ही लॉन्च हुआ ये हमारे इंडियन मार्केट्स में। एंड यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। प्रीमियम लैपटॉप तो है ही, और साथ ही प्रीमियम स्पेसिफिकेशन, एकदम टॉप नॉच लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन लगा कर दे दिया इस बार रियलमी ने। सो गाइज यहाँ पे आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ इसी लैपटॉप के बारे में, और प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता लग जाएगा कि आपका प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये लैपटॉप आता है तो आपको खरीदना है कि नहीं। तो सारा कुछ बताऊंगा, फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इसी रियलमी बुक स्लिम लैपटॉप के बारे में। सो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पे गाइस मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। फटाफट से इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बात करते हैं इसके बिल्ड के बारे में। सो गाइस, बिल्ड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है, और क्या ही स्लिम लैपटॉप है गाइस ये। 14.9 mm की थिकनेस पर आता है, मतलब कि काफ़ी स्लिम आपको देखने को मिल जाता है। 1.38 kg का इसका वेट निकल कर आता है, तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी थिन है, और यहाँ पे स्लिम तो आप कह ही पाओगे। और यहाँ पे इन हैंड फील के बारे में बात करेंगे, जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है, अभी तो हमारे हाथ में आया नहीं है, तो जैसा कंपनी क्लेम कर रही है आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। सो हाँ, लाइट वेट तो है, यहाँ पे 1.38 kg का वेट देखने को मिलता है, तो लाइट वेट डेफिनेटली है ये लैपटॉप। और बाकी आप अपने कमेंट्स करके बताओ कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाँ, मैकबुक का कॉपी आप कह सकते हो। यहाँ पे गाइस आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसी लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। सो गाइस, डिस्प्ले में भी ना रियलमी ने काफी अच्छा काम किया, और ये मैं आपको कुछ वीडियोस से पहले से ही कह रहा हूं। जहां पे 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको IPS पैनल दिया गया है, और IPS पैनल की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। और यहां पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करेंगे, तो आपको एकदम 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। बेजल्स काफी कम देखने को मिल जाते हैं, और बट हां, नीचे में थोड़ी सी चेन देखने को मिल जाती, थोड़ा सा तो 19-20 होने वाला है, पूरा मैकबुक का कॉपी तो नहीं हो सकता, बट बेजल्स आपको काफी कम देखने को मिल जाते हैं। और 3:2 का एस्पेक्ट रेशियो, और हाँ, रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको 2K रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वाह, क्या डिस्प्ले लगा कर दिया है Realme ने इस लैपटॉप में। तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, और व्यूविंग एंगल्स तो एकदम लाजवाब देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले में नो डाउट 100% मार्क्स गोज टू Realme बुक स्लिम। यहाँ पे गाइस आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। सो गाइस, दो वेरियंट में ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको पहला वेरियंट पे इंटेल का i3 11th gen का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इसको बूस्ट कर पाओगे 4.1 GHz तक, और यहाँ पे बेस क्लॉक स्पीड है 3 GHz का। और दूसरा जो वेरियंट है i5 11th gen के पर देखने को मिल जाता है, जिसकी बेस स्पीड है 2.4 GHz, और जिसको आप बूस्ट कर पाओगे टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.2 GHz तक। तो यहां पे गाइस आपको ये दो प्रोसेसर के ऊपर ये देखने को मिल जाता है। और GPU के बारे में बात करेंगे तो i3 वाले वेरिएंट में इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, एंड हां, और यहां पे i5 वाले वेरिएंट में आपको Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, और दोनों ही इंटीग्रेटेड आते हैं। तो गाइस यहां पे कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स ऑप्शन नहीं लॉन्च किया कंपनी ने, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ऑप्शन लॉन्च किया, लॉन्च कर देते तो काफी मजा आ जाता। यहाँ पे गाइस मेमोरी और स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे गाइस रैम के बारे में बताता हूँ। काफी अच्छा रैम दिया है इस बार कंपनी ने, 8GB का डुअल चैनल LPDDR4X रैम देखने को मिल जाता है। 4X रैम गाइस काफी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा, और ये नॉर्मल रैम नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी रैम आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मल 3200 MHz का होता है, बट यहाँ पे i3 वाले वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है 3733 MHz का रैम, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में आता है। एंड i5 वाले वेरिएंट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको 4266 MHz का रैम देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, और वैसे भी डुअल चैनल रैम है तो परफॉर्मेंस तो अच्छा होने ही वाला है। बाकी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो 256 GB वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा i3 वाले वेरिएंट के साथ में, और आपको देखने को मिलेगा 512 GB का स्टोरेज का ऑप्शन, जो कि SSD ऑप्शन से दोनों ही आपको i5 वाले वेरिएंट के साथ में। आप कंपनी ने i3 वाले वेरिएंट के साथ कमी क्यों की मुझे नहीं पता, बट यही स्टोरेज ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको i3 वाले वेरिएंट में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दिया गया, और यहाँ पे i5 वाले वेरिएंट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे वाईफाई 6 और आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि i5 वाले वेरिएंट में लेटेस्ट सपोर्ट दिया गया, i3 वाले में थोड़ा सा कमी कर दिया गया। यहाँ पे गाइस बैटरी के बारे में बात करेंगे तो 54 Wh का मैसिव बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसका यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में बताऊं तो कंपनी क्लेम कर रही है 11 घंटा, बट गाइस यहाँ पे आपको 6 घंटा हैवी यूसेज में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 65 W का टाइप सी का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 50% चार्ज कर देगा बैटरी को 30 मिनट्स में। तो हाँ, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट
सपोर्ट भी दी गई है। और कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो गाइस सबसे पहले पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पोर्ट्स आपको इतने ही कुछ देखने को मिलेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ये सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे कीबोर्ड एंड टचपैड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लेवल बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 1.3 mm का की ट्रैवल स्पेसिंग देखने को मिल जाता है और यहाँ पर लार्ज मल्टी जैसे सपोर्टेड ट्रैकपैड भी देखने को मिल जाता है। और हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है पावर बटन के साथ में, तो हाँ ये भी चीज आपको देखने को मिल जाती है सिक्योरिटी के मामले में। और HD वेबकैम में 720p रेजोल्यूशन के साथ में डुअल इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन के साथ में आता है, जहां पे आपको वॉक प्लस AI नॉइस कैंसिलेशन एल्गोरिदम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक नई चीज निकल कर आती है। अब देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कैसा यहां पे निकल कर आता है। एंड यहां पे वो हरमन्स के 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसा कि बताया इसमें आता है, तो यहां पे वो DTS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा क्योंकि यहां पे डिस्प्ले बेटर और साउंड सिस्टम तो काफी आपको प्रीमियम देखने को मिल जाता है। तो बस गाइज ये तो कुछ इसकी Realme Book Slim के स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब गाइज बात करिए इसी लैपटॉप के प्राइसिंग के बारे में। सो गाइज प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना तो 8GB रैम के साथ में आता है और 256GB वाले स्टोरेज के साथ में आता है i3 वाले वेरिएंट के बारे में, और वहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट जो है ना कुछ 47,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है और इंट्रोडक्टिव ऑफर आपको 2,000 कम देखने को मिलेगा, मतलब कि 45,000 रुपीज़ का इसका प्राइस पॉइंट निकल कर आता है, इंट्रोडक्टिव प्राइस बता रहा हूँ। और यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस आप कह सकते हो। और यहाँ पे i5 वाले वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो 60,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हुआ, जहाँ पे आपको 8GB रैम 512GB की SSD देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 3,000 ऑफ देखने को मिलेगा स्टार्टिंग प्राइस रेंज में, जो कि आपका बन जाता है 57,000 रुपीज़। तो हाँ, 57,000 रुपीज़ और 45,000 रुपीज़ इंट्रोडक्टरी प्राइस है, बाद में ये चेंज हो जाएगा, बाद में एकदम जो नॉर्मल प्राइसिंग है वही आ जाएगी। तो आपको यही प्राइस रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिलेगा अगर आप फर्स्ट सेल या फिर सेकेंड सेल में खरीदते हो तो। सो बस गाइस ये देखो इस लैपटॉप के बारे में स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने वो बता दिया, आपको कैसा लगा जरूर बता देना कमेंट करके, और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।